आयुष मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला आयुर्वेदिक दवा और काढ़ा कोरोना मरीजों के इलाज में काफी कारगर साबित हो रहा है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी केवजन पांडियन ने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा समय समय पर निर्देश जारी करता है। आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देशों को होम आइसोलेशन प्राइवेट फैसिलिटी में रहने वाले लोगों को दिया गया है। डीएम ने बताया कि बहुत से लोग इससे ठीक भी हुए हैं। जनपद में बहुत से लोग आयुष के दवाओं का उपयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि जनपद की 80% आबादी गांव में रहती है। गांव में कोविड के उपचार के लिए हर सीएससी में कोविड फैसिलिटी दिया जाएगा तथा पीएससी में 2 वार्ड L1 फैसिलिटी का बनाया जाएगा। डीएम ने बताया कि अधिकतर लोग गांव में आयुष की दवाओं का उपयोग करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजन पांडेन ने कहा, देखिए आयुष मंत्रालय समय समय पे हमेशा कोई डायरेक्शन जारी करते हैं, खासतौर पे उनका डायरेक्शन हम लोग यहाँ जो लोकल का जो होम आइसोलेशन में कहाँ से रहने वाले सभी को देते हैं, और इस बार डायरेक्शन जो दिए हैं उसको भी हम लोग नीचे तक गवर्नमेंट फैसिलिटी में, प्राइवेट फैसिलिटी में और आइसोलेशन में रहने वाले लोग का पहुँचाते हैं। तो आयुष का ज़रूर असर तो पड़ा है, बहुत सारे लोग का ठीक हुए हैं। ये जाँच के विषय है, रिसर्च के विषय है, बाद में पता चलेगा आयुष का कितना असर पड़ा है, बट उम्मीद है बहुत लोग आयुष का फॉलो करते हैं। हम लोग भी आयुष का जो दवाएं कितने हैं, वैसे गिलोय का दवाई है और बाकी दवाई जो भी रेकमेंड करती है गवर्नमेंट उसी के हिसाब से हम लोग तो देते रहते हैं। देखिए मेन इशू तो हम लोग ग्रामीण इलाके ही आगे फोकस रहेगा, ताकि गोरखपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे 80% मेरा ग्रामीण इलाका में है अभी भी, और ग्रामीण इलाका में एक बार फैल जाता तो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, और ग्रामीण इलाका में इतने मेडिकल सुविधा भी हम बढ़ाए नहीं है, इसलिए हर ब्लॉक में हम लोग CSC में कोविड फैसिलिटी देने जा रहे हैं। उसके नीचे भी हम कोशिश कर रहे हैं, हर PSC में भी 1-2 वार्ड हम खोल के L1+ के रूप से हम करेंगे, उसको कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगा रहे हैं और कुछ उपचार दे रहे हैं। मेन इश्यू उसके अलावा भी जो गांव जनता का जागरूक करना बहुत चुनौती है मेरे लिए, खासतौर पे उन लोग ज़्यादा यकीन करते हैं आयुष दवा में, विश्वास करते हैं जो आयुर्वेदिक दवा इसी चीज़ पे, उन्हीं के माध्यम से जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग एलोपैथी की तरफ से लेके आते हैं, फिर उपचार पूरा करते हैं।